कितनी आवाम है सब हूटिंग्स कर रहे हैं। फिर आपको पता है अरे जो ख्वाजा सरा हमारी जैसी कम्युनिटी के अरे लोग कहीं भी हों तो लोग उन्हें देख के यूं झूम सा बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर हूटिंग वगैरह करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। इस वक्त मैं मौजूद हूं सादकाबाद ग्राउंड में, जहां पर पिंडी के टिकटॉकर्स के दरमियान एक टूर्नामेंट खेला जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद ये टूर्नामेंट शुरू होगा और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ऑडियंस की बड़ी तादाद इस स्टेडियम में मौजूद है। आज रावलपिंडी में एक जो निजी ग्राउंड है उसके अंदर जो है टिकटॉकर्स को मधु किया गया, जिसमें आज एक मैच खेला जा रहा है। और उस हवाले से आप देख रहे होंगे कि साइडों पे जो है, एक साइड पे जो है टिकटॉकर है उनको अलग बिठाया गया है और जो गैदरिंग है इस साइड पे है, और उसके अलावा बहुत बड़ा क्राउड जो है वो इस हाल के बाहर है, जहाँ पे रोड पे चलने की जगह नहीं, क्योंकि अभी जो है रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा। मैनेजमेंट के बारे में भी बताइएगा कि मैनेजमेंट के इकदाम कैसे हैं। ये बिल्कुल आपको, मुझे तो आप सुनना चाहते हैं मेरी जुबानी, तो आप सुन लें। आप जो ही रोड पे आते हैं तो आपने देखा कि इनकी जो स्कूटी है उनके बंदे खड़े हुए हैं, गेट पे एंट्री पे वो लोग खड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में ये है, पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे थोड़ी सी लेडीज़ होती हैं वहाँ पर वैसे ही क्राउड ज़्यादा हो जाता है, और टिकटॉकर का नाम आए वहाँ पर और ज़्यादा हो जाता है। इस वक्त ये जितनी इंतजामिया है उनके ऊपर ये लाजम है कि हर जितनी भी टिकटॉकर मेल हैं फीमेल हैं उनके साथ कोई बदतमीजी ना करे, उसके लिए उन्होंने बकायदा अपनी स्कूटी लगाई। अगर हमारे कैमरा मैन दिखा सके तो सारी तरफ आपको दिखा सकते हैं कि ये गाड़ी से लेके उनको गोल राउंड में अपने स्टेज तक लेके आते हैं। जो पिच है, पिच जो है ना, ये मेरे ख्याल से जो है ना, ये हमने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका विजिट किया है, तो ये पिच जो है ना, ये स्पिनर्स के लिए जो है ना वो इंतहाई मुफीद साबित होगी, और जो फास्ट बॉलर हैं उसके लिए थोड़ी सी जो है ना वो नुकसान होगी, क्योंकि पिच जो है ना वो हार्ड नहीं है, जो है ना पिच जो है ना वो नर्म है। मैंने देखी है वहां से, मैं दरमियान में भी गया, वहां भी चेक किया, तो ये हार्ड नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना जो फास्ट बॉलर है उसका जो बॉल होगा वो बाउंस नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है ना उसका फायदा जो है ना वो बैट्समैन उठा सकते हैं। एक खुशाइन बात है, हमारे आर्टिस्ट, हमारे टिकटॉकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इनके बारे में? मैं ये कहूँगा जी, बड़ी सी खुशी की बात है, यहाँ पे ऐसे मैच होने चाहिए और ऐसे जो है ना एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि जो है ना हमारे जितने भी टिकटॉकर जहाँ से मुख्तलिफ शहरों से आए हैं और यहाँ पे ये इकट्ठे हुए हैं और एक मौका मिला है सब आर्टिस्टों को और टिकटॉकरों को कि आपस में गेम हो, ये एक खुशी बात है ये वाली। ये बताइएगा आप बैटिंग करते हैं या बॉलिंग? मैं ऑलराउंडर हूँ, बैटिंग भी करता हूँ और बॉलिंग भी करता हूँ। फास्ट छक्का मार लेते हैं? हाँ, छक्का देखें आज अगर बैटिंग का मौका मिला। अब नहीं लगता? नहीं नहीं, इंशाल्लाह मौका मिला तो इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको कि छक्का लगता है कि नहीं लगता, ये तो अब मैच के ऊपर डिपेंड करता है। क्राउड बड़ा ज़्यादा है, इस क्राउड के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगी कि इन सबको शौक है तो वो यहाँ देखने आ रहे हैं, और टीम तो मैं तो पिंडी वन के साथ हूँ, और वैसे तो मेरी टिकटॉक आईडी इस्लामाबादी कर, लेकिन मैं दानियाल लोगों के साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। टिकटॉक पे बहुत सारे ट्रेंड हैं, जैसे बाबा जी पिंडी, बाबा जी सियालकोट, आप किसको ज़्यादा पसंद करती हैं? बाबा जी इस्लामाबाद। बाबा जी इस्लामाबाद। हाँ। आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? बाबर आजम। बाबर आजम ने सेंचुरी की है, क्या कहेंगे उसके बारे में? आई लव यू बाबर आजम, दैट्स। इस इवेंट पे कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ फिलहाल, अभी बाकी का पता नहीं, जब तक यहाँ हूँ अल्लाह करे अच्छा ही हो, क्योंकि जैसा माहौल है मुझे नहीं लग रहा अच्छा होगा। तो माहौल आपको पसंद नहीं आया? फिलहाल तो नहीं आया, आपको पता है कितनी आवाम है सब हूटिंग्स कर रहे हैं। फिर आपको पता है जो ख्वाजा सरा हमारी जैसी कम्युनिटी के लोग कहीं भी हों तो लोग उन्हें देख के यूँ झूम सा बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर हूटिंग वगैरह करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। तो हम भी इंसान होते हैं, हमें भी अल्लाह ने बनाया है जैसे आम लोग हैं, हम भी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं अगर आप लोग हमें गुजारने दें तो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप कैसी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मानो करारी। किस टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं? गुरु के जैसे गुरु बोलते हैं हम तो, वैसे कर रहे हैं। टीम किसको सपोर्ट कर रही हैं? आप मैच देखने आई हैं ना? वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन पता क्या बात है, अभी तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, किस तरह है, कि जो जाहिर बात है जिसको लाइक करेंगे फिर उसी को सपोर्ट करेंगे, अभी तक तो हम आगे गए नहीं, देखे पीछे कितना रश लगा पड़ा है। नाज़रीन आपको बताता चलूं कि पहले तो बड़े पुरसकून अंदाज से ये इवेंट जारी था, लेकिन जैसे जैसे तमाशाइयों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ हालात इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर होते चले गए। ये एरिया है सवा तीन का, लड़कियों का,
अगर आपको ये लगता है कि ऐसी कोई क्वालिटी जो लड़कियों में है और वो आप में मौजूद है और आपको लगता है कि आप लड़की है, तो यही खड़े रहिए और यही बैठे रहिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि आप मर्दों के लिस्ट में शामिल होते हैं, इंतजामिया के लाख जतन करने के बावजूद भी मुश्तैल अफराद पर काबू नहीं पाया जा सका। सर आप आए थे, मैच हो रहा था, एक खुशाइन बात थी, लेकिन हमने देखा कि अवाम का एक हजूम जो काबू में नहीं आ रहा और काफ़ी लेडीज़ को भी तंग किया जा रहा है, मैच होने नहीं दिया जा रहा, तो आप इंतज़ामिया को क्या मैसेज देंगे? इंतज़ामिया की मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी कमज़ोरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग टिकटॉकर हैं और मैच शुरू हो गया तो बड़ा अच्छी बात है, मैच होने चाहिए इस तरह की बड़ी एक खुशाइन बात है, लेकिन इंतज़ामिया की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये मैच भी रोक दिया गया, लोगों का हुल्लड़बाजी, क्योंकि हमारी जो अवाम है वो भी एक किसी तरफ भागना शुरू कर देती है, पता नहीं क्या हो जाता है, अवाम भी बस अजीब सी है। फिर सबसे बड़ी जो बात थी वो यहाँ पर मैनेजमेंट की थी, यहाँ पे मैनेजमेंट अगर होता तो एक बड़ा खूबसूरत यहाँ पे मैच हो रहे थे, बड़ा अच्छा, लोग इंजॉय कर रहे थे, फैमिलियाँ भी थी, पब्लिक बहुत अच्छी भी थी, लेकिन जो कुछ लोग थे टिकटॉकर थे या कुछ ऐसे आम आवाम जिस तरह लोग होते हैं, लड़के शोशापन करते हैं, उस तरह के कुछ लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हुई और मैच भी रोक दिया गया और वैसे ही हल्ला। आपको लगता है कि ये लोग मैच देखने के लिए आए थे या स्पेशल टिकटॉकर्स के लिए आए थे? ये लोग जो ज़्यादातर थे इनमें टिकटॉकर्स के लिए ही आए हुए थे, क्योंकि आजकल ये एक दौर चला आ रहा है कि वो सेल्फियां हैं और टिकटॉकर्स हैं, उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो लोगों का मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ मैच की तरफ रुझान ज़्यादा नहीं। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि लाइट्स बंद हो चुकी हैं, मैच को रोक दिया गया है, मेरी बैक साइड पर लोग मुश्तैल लोग हैं और मैच हो रहा था यहाँ पर और काफ़ी लेडीज़ को भी तंग किया जा रहा है, तो फ़ख्र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ख्र साहब क्या कहेंगे आप? जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ऐसे जब गैदरिंग होती है खासतौर जो टिकटॉकर की है, बहुत सारी गैदरिंग हमने देखी है, बड़ी डिसेंट सी होती है, टिकटॉकर जहाँ पे भी इकट्ठे हुए हैं इन्होंने कोई ना कोई मसले मसाइल खड़े किए इस मुल्क के लिए, तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि प्लीज़ टिकटॉक के जो खासतौर इवेंट्स होते हैं इनके इनको देखभाल के इस तरह की गैदरिंग करने दिया करें और अल्लाह ना करे इसमें यहाँ पर कोई मसले मसाइल हो। जैसे नाज़रीन आपने देखा कि फ़ख्र साहब ने भी यही बताया कि टिकटॉक बेशक बनाएं लेकिन कोई भी आप इवेंट कराने जाएं तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने का तरीका भी सीखें। तो आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं काफ़ी हजूम जमा हो चुका है। सर हमें बताइएगा कि आप भी मॉडल हैं तो आपको इन टिकटॉकर्स को क्या कहेंगे और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? जी एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा रहा, मैं यही कहना चाहूँगा इनका अगर कोई भी इवेंट हो ये खाली टिकटॉकर को इन्वाइट करें, अदरवाइज कोई टिकट कोई पास ना लगे। पब्लिक को अगर इनवाइट किया जाता है तो पब्लिक के लिए अलहदा जगह बना दी जाए, क्या आप इससे मुतफिक हैं? नहीं नहीं, इनको अगर चाहिए तो ये खाली फैमिली को इनवाइट करें, अदरवाइज बॉयज को नहीं। आप नाजरीन आप बैक साइड पे देख सकते हैं काफ़ी हजूम जमा है और काफ़ी रश है और स्टेडियम के दरवाजे भी तोड़े जा रहे हैं, तो काफ़ी इधर रश है, तो मेरे ख्याल में हमें निकलना होगा। अल्लाह हाफिज़।